हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं आर्गेनाइजर सर, आप लोग के आज फिजिक्स के टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 का, जिसका टॉपिक नाम है गॉस प्रमेय, जो दूसरा लेसन पढ़ना है। ठीक है, जाने हम लोग गॉस प्रमेय जानेंगे। ठीक है, देखिए आज बताने वाले हम लोग, पहले गॉस प्रमेय जानने से पहले हम जानेंगे विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा। विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा, विद्युतीय बल बल नापकर पर हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्र। बल और क्षेत्र एक ही है ना। आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, माने विद्युतीय बल रेखा क्या है। तो कहता है कि विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, वही विद्युतीय बल रेखा कहलाता है, है ना। मान लीजिए कोई भी हम आवेश के क्षेत्र में बाबू, यहाँ प्लस पे लिया करिए माइनस पे, तो यहाँ से जो विद्युतीय क्षेत्र की जो ज्ञात है, इसमें जो रेखा निकलेगा वो कैसा निकलेगा, काल्पनिक दिखाई देगा। आप लोग जैसे बिजली का तार देखे हैं, इसमें जो करंट निकलता है दिखाई देता नहीं, तो ये कहता है विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है, उसी को विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश ले हैं और एने क्या लिए, माइनस क्यू आवेश लिए, तो देखिए यहाँ से जब निकलेगा इससे आवेश निकलेगा तो आपको दिखाई देगा जी नहीं दिखाई देगा, यहाँ जो करंट निकल रहा दिखाई नहीं दिखाएगा। तो ये कहता है कि विद्युतीय बल रेखा एक ऐसा है काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। अगर यहाँ निकालना है तो यहाँ पर आवेश निकलेगा, अगर इस बिंदु पर निकालना है तो यहाँ पर निकल सकता है, यहाँ निकल तो यहाँ भी निकल सकता है ना। आपको परिभाषा याद हो गया कि विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, उसी को लोग कहते हैं विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसके बाद आता है कि विद्युतीय बल रेखा की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है। तो विद्युतीय बल रेखा की जो विशेषता है बाबू, पहला विशेषता बताया गया कि विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश हो जाता है, मतलब पहला से कहा माइनस को, माइनस नहीं पहला से माइनस, मतलब पहला जो इसका विशेषता बोलेंगे कि धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश को जाता है, है ना। दूसरा बोलेंगे कि विद्युतीय बल रेखा पर, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा के स्थिति से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। जैसे यहाँ पर ले लिया बाबू ए ले लिया, तो ये भी ध्यान दीजिए ये विद्युतीय बल रेखा, ये क्या विद्युतीय बल रेखा, अगर किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, तो जो स्पर्श रेखा है तुम्हारा क्या निकलेगा, विद्युतीय क्षेत्र निकलेगा, माने विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, है ना। दूसरा देखिए हो गया, तीसरा समझिए, तीसरा कहता है कि विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मैं आर्गेनाइजर सर, आप लोग आज फिजिक्स के टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 12 का, जिसका टॉपिक नाम है गॉस प्रमेय, जो दूसरा लेसन पढ़ना है। ठीक है, जाने हम लोग गॉस प्रमेय जानेंगे। ठीक है, देखिए आज बताने वाले हम लोग, पहले गॉस प्रमेय जानने से पहले हम जानेंगे विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा। विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा, विद्युतीय बल बल नापकर हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्र। बल और क्षेत्र एक ही है ना। आज टॉपिक पढ़ा रहे हैं विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, माने विद्युतीय बल रेखा क्या है। तो कहता है कि विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, वही विद्युतीय बल रेखा कहलाता है, है ना। मान लीजिए कोई भी हम आवेश के क्षेत्र में बाबू, यहाँ प्लस पे लिया करिए माइनस पे, तो यहाँ से जो विद्युतीय क्षेत्र की जो ज्ञात है, इसमें जो रेखा निकलेगा वो कैसा निकलेगा, काल्पनिक दिखाई देगा। आप लोग जैसे बिजली का तार देखे हैं, इसमें जो करंट निकलता है दिखाई देता नहीं, तो ये कहता है कि विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है, जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होता है, उसी को विद्युतीय बल रेखा
रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश लिए हैं और ए ने क्या लिए माइनस क्यू आवेश लिए, तो देखिए यहाँ से जब निकलेगा इससे आवेश निकलेगा तो आपको दिखाई देगा जी नहीं दिखाई देगा, यहाँ जो करंट निकल रहा दिखाई नहीं दिखाएगा। वही कहता है कि विद्युतीय बल रेखा एक ऐसा है काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से जिसके संदर्भ किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। अगर यहाँ निकालना है तो यहाँ पर आवेश निकलेगा, अगर इस बिंदु पर निकालना है तो यहाँ पर निकल सकता है, यहाँ निकल तो यहाँ भी निकल सकता है ना। आपको परिभाषा याद हो गया कि विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसकी सहायता से किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, उसी को लोग कहते हैं विद्युतीय बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसका दाता है कि विद्युतीय बल रेखा की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है? तो विद्युतीय बल रेखा की जो विशेषता है बाबू, पहला विशेषता बताया गया कि विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में जाता है, मतलब प्लस से कहा माइनस टू, माइनस नहीं प्लस से माइनस, मतलब पहला जो इसका विशेषता बोलेंगे कि धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश को जाता है ना। दूसरा बोलेंगे कि विद्युतीय बल रेखा पर, विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा के स्थिति विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है। जैसे यहाँ पर ले लिया बाबू ए ले लिया, तो इस पर ध्यान दीजिए ये विद्युतीय बल रेखा, ये क्या विद्युतीय बल रेखा, अगर किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे ना तो जो स्पर्श रेखा ही तुम्हारा क्या निकलेगा विद्युतीय क्षेत्र निकलेगा, मतलब विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है ना। दूसरा देखिए हो गया, तीसरा समझिए, तीसरा कहता है कि विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चलिए तीसरा समझिए कि विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। जो ये विद्युतीय बल रेखा देखिए यहाँ प्लस की आवेश लिए इधर माइनस की आवेश लिए, तो कभी ऐसा यहाँ से निकला प्लस से माइनस को, ये भी निकलेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि यहाँ से ऐसे निकला बाबू और यहाँ से ऐसे निकल गया, ये कभी नहीं होगा। विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, विद्युतीय बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, याद हो गया ना। पहला क्या बोले कि विद्युतीय बल रेखा, पहला क्या बोले कि विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश हो जाता है ना। विद्युतीय बल रेखा दिशा क्या होता है प्लस से माइनस, मतलब प्लस निकलता है माइनस को। दूसरा क्या होता है कि विद्युतीय बल रेखा क्या चीज, विद्युतीय बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है ना, विद्युतीय बल रेखा कभी दूसरे को नहीं काटती है। तीसरा देखा कि विद्युतीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा के जैसे विद्युतीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, याद हो गया आप लोग का। चौथा बोल सकते हैं कि विद्युतीय बल रेखा कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करता, विद्युतीय बल रेखा कभी बंद लूप का निर्माण नहीं करता, बंद लूप का मतलब कभी ऐसा नहीं होता